देखिए दोस्तों, ये भी पूरी तरह तैयार हो गया है। देखो दोस्तों कितने फ्रूट आए हैं इसमें। देखो दोस्तों, दोस्तों इस दो चिली प्लांट का हम प्रूनिंग करेंगे और इस दो चिली प्लांट को हम अनप्रून छोड़ेंगे। दोस्तों प्रूनिंग जब आप करते हैं, जहाँ पर ये नोड होता है, तो यहाँ से आप इसकी टॉपिंग करेंगे इस तरह। ये इस तरह इस प्लांट में यहाँ से बीज कटिंग के बाद
यहाँ से ये और ये साइड ब्रांचेज है, ये मेन ब्रांचेज बनेंगे। और इस प्लांट में यहाँ से ये साइड ब्रांच मेन ब्रांच बनेगा। ये सारे नीचे साइड ब्रांचेज ये अच्छी तरह ग्रो करेगा, ये वाले और ये वाले। दोस्तों इन दो पेपर ब्रांच से हमने ऊपर का टिप काट लिया और इस डोल का हमने छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कि प्रूनिंग वर्सेस अनप्रूनिंग में क्या फ़र्क है, ये कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदार है। ये देखो दोस्तों, तकरीबन 15 दिन बाद जिस चिली प्लांट का हमने प्रूनिंग की है, ये देखो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे साइड ब्रांचेज आ गए। ये देखो दोस्तों, इसका टिप हमने यहाँ से काटा था, यहाँ से, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 10 साइड ब्रांचेज आ गए। ये देखो दोस्तों, इस चिली प्लांट का हमने प्रूनिंग यहाँ से की थी, यानी इसका टिप हमने यहाँ से काटा था, तो इसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 11 साइड ब्रांचेज आ गए। ये देखो दोस्तों, इस चिली प्लांट का हमने मेन टिप नहीं काटा था। ये देखो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे फ्रूट आ गए मगर इतने ब्रांचेज नहीं है। ये देखो दोस्तों, इस चिली प्लांट का हमने प्रूनिंग नहीं की थी, ये देखो दोस्तों इसमें फ्रूट आ गया। तो दोस्तों रिजल्ट आपने देखा, जिस चिली प्लांट का हमने प्रूनिंग की है और जिसका हमने नहीं की है। देखो दोस्तों, आज इसका 20वां दिन है। ये देखो दोस्तों, जिस चिली प्लांट के हमने प्रूनिंग नहीं किया है, देखो उसमें काफ़ी सारे चिली आ गए। ये वही पौधा है जिसके हमने प्रूनिंग की थी, इसके टिप हमने यहाँ से काटी तो उस पर ही काफ़ी सारे साइड ब्रांचेज आए। इसमें अभी काफ़ी सारे फूल आए हैं मगर इतना फ्रूट अभी नहीं आए। इस प्लांट की भी हमने यहाँ से टिप काटा था मैन, तो उस पर भी काफ़ी सारे साइड ब्रांचेज आए। ये अनप्रूनिंग पौधा है और ये प्रूनिंग वाला पौधा है। ये देखो दोस्तों, ये वही दो प्लांट है जिसकी हमने मैं टिप काटा था, इसकी हमने टॉपिंग की थी। इन दोनों की हमने नहीं की थी प्रूनिंग। ये देखो, इसमें बहुत सारे फल और फूल आए हैं और इसमें अभी तक नहीं आया, इसमें अभी फ्रूट और फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों रिज़ल्ट आपने देखा,
जिस प्लांट की हमने टैपिंग की थी और जिसकी हमने नहीं की थी, रिजल्ट आपके सामने है। ये देखो दोस्तों, ये भी पूरी तरह तैयार हो गया। देखो दोस्तों कितने फ्रूट आए इसमें। आज इसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, एक एक पौधे में तकरीबन 20-25 चिड़ी आई है। देखो दोस्तों,